नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेफ चंदन। वेलकम बैक टू सेफ क्रिएटिविटी। तो फिर आया हूं आपके लिए एक नया रेसिपी लेकर के, ठंडी ठंडी सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म गोभी मटर की तहरी। तो फ्रेंड्स, गोभी एंड मटर की तहरी बनाने के लिए सबसे पहले आप कुकर में घी या तेल रखिए और गर्म होने के बाद इसमें डालिए जीरा, तेजपत्ता, थोड़ी छोटी इलायची, दालचीनी और ये बड़ी इलायची थोड़ा सा ये डाल दीजिए। उसके बाद डाल दीजिए मोटा मोटा कटा हुआ प्याज और इसमें है थोड़ा सा गार्लिक, मैंने साबुत ही डाल दिया दोस्तों, और इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लीजिए थोड़ी देर। और ये प्याज हल्का सा भुन जाए ना तो इसमें डालिए, ज्यादा भूनना नहीं है इसको, इसमें डालिए मटर, ये है फूल गोभी और फ्रेंड इसमें मैं थोड़ा आलू भी डाल दूंगा और थोड़ा सा गाजर भी। और इसको करिए मिक्स, थोड़ा सा पकाइए इसको हल्का सा, ज्यादा नहीं पकाना है। और इसमें डालिए, ये हल्का सा भुन जाए सब्जी, इसमें डालिए लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर और सारे मसाले को सब्जी के साथ इस तरह से मिक्स कर लीजिए। हल्का सा इसका एक मिनट के लिए भूनिए सब्जी को इस तरीके से। और फ्रेंड्स, इसमें डाल दीजिए मोटी कटी हरी मिर्च, इसको मोटा मोटा काट रखा मैंने, ये देखिए, इसको थोड़ा सा भूनते रहिए। और दोस्तों, जो तहरी है ना, इसको पुलाव भी बोलते हैं, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, खिचड़ी भी बोलते हैं इसको। तो थोड़ा खिचड़ी पतली होती है ये, इसको ये ज़्यादा पतला नहीं होता है और इसको उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तहरी के नाम से बोला जाता है इसको। और ये हो गया सब्जी, अब इसमें डालूंगा मैं राइस, जिसको मैंने सोख कर रखा था पानी में थोड़ा एक घंटा पहले, और इसको भी डाल दूंगा मैं इसमें इस तरीके से। और दोस्तों, राइस के साथ इसको वेजिटेबल को मिक्स कर दूंगा इस तरीके से, देखिए हल्के हाथ से करना है जिसके चावल टूटे नहीं। और इस तरीके से इसको अब इसमें डालूंगा मैं पानी। और फ्रेंड्स, इसमें डाल दिया मैंने पानी, देखिए पानी को आप चावल के हिसाब से, अगर आपने एक कप चावल है तो आप इसमें 2.5 कप पानी डाल दीजिए इस तरीके से। और इसको मिक्स कर दिया मैंने और इसको हल्का सा उबाल आने दूंगा। तो दोस्तों देखिए, ये हल्का सा आधा कुक हो चुका है और इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगा सीटी और स्टीम करूंगा इसको, बढ़िया सा खुशबू, कलरफुल भी है। और इसको सीटी लगाने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाल दूंगा हरा धनिया, और मेरे किचन गार्डन में मैंने उगा रखा था धनिया, बड़ा अच्छा इसमें अरोमा खुशबू आ रखी है। और इसको जैसे कि मैंने आपको बताया था, उत्तर भारत में तहरी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, देखिए बढ़िया अरोमा भी आ रहा है। और इसको घर पर आप बड़े आसानी कम कॉस्ट में बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, अब ये आधा कुक हो चुका है और मैं प्रेशर कुकर में इसमें ढक्कन लगा दूंगा स्टीम एक सीटी के लिए। फ्रेंड्स, गोभी मटर की तहरी है तैयार और मैं करूंगा प्लेटिंग, देखिए गर्मा गर्म कितना बढ़िया बन रखा है, स्वादिष्ट, ये देखिए आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, बड़ा इजी तरीके से आप घर पर बना सकते हो अपने फैमिली के लिए। और इसमें डाल दूंगा मैं थोड़ा सा घी, ये देखिए हल्का सा घी, गर्मा गर्म आप इसको खा सकते हैं गर्मा गर्म, देखिए। तो दोस्तों,
एक बार जरूर ट्राई करें घर पर मेरी बनाई हुई रेसिपी, अवश्य बड़ा लजीज और स्वादिष्ट होगा। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद भी खाएं औरों को भी खिलाएं। फिर मिलेंगे एक और नए रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।